आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें आपके लगभग 125 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जिसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला है मैं उसी को बताऊंगा, उसके आंसर बता दूंगा। बाकी आप लोग प्ले स्टोर पर बने रहिएगा, प्ले स्टोर एक बार ओपन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका मॉडल पेपर भी आपको लगभग शाम 4 बजे तक मिल जाएगा। जो मॉडल पेपर हम बनाएंगे उसमें से लगभग आपको 70 नहीं बल्कि 50+% आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें कोई भी आपका जो है जो हम माइंड वो एग्ज़ाम देते थे वो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसका। सीधे आपको 100 क्वेश्चन में से करना है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा ये। तो चलिए करते हैं शुरू स्टार्ट इसके लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इसके बाद में आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी किसी का सब्जेक्ट का पेपर चल रहा है किसी यूनिवर्सिटी का, तो अपनी यूनिवर्सिटी को कमेंट में जरूर शो कीजिएगा। पेपर की डेट बताइएगा, आप सब्जेक्ट नहीं बताते हो कौन सा पेपर चल रहा है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोग सब्जेक्ट को नाम भी दें और उसका सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी भी वो भी शो करें। और बाकी आपके कोई भी सब्जेक्ट है तो आप लिस्ट पर जाइएगा, सारे वीडियो अपलोडेड हैं, वो भी फ्री में पढ़िएगा, कोई इसका चार्ज नहीं लग रहा है। MA सेकेंड सेमेस्टर का भी बहुत जल्द कोर्स शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड कराएंगे सिलेबस चारों पेपरों का, उसके बाद में बारी बारी से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। एडवांस स्टडी के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं हेमंत सिंह लेक्चर्स, जो कि आपको प्ले स्टोर से ईजिली मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, इसको फिर से रिपीट करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका 63 है। 60 यार्ड डेक का प्रयोग किस निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका यूज होता है गति के रूप में। अगला है गामक शिक्षणता के किसके द्वारा होती है? तो गामक शिक्षणता होती है न्यूरो सिस्टम एंड न्यूरो मस्क्यूलर तंत्र, इन दोनों के द्वारा स्टार्ट होता है, वो होता है गामक शिक्षणीयता। नेक्स्ट स्टिक जो क्लिप होती है कोऑर्डिनेट टेस्ट की हड्डियों मतलब टेस्ट में जो छड़ियाँ होती हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है उनकी कितनी, 60 मीटर यानी 60 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इसमें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टिक क्लिप कोऑर्डिनेशन टेस्ट को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वजन प्रबंधन देख लेते हैं कि वजन से रिलेटेड हमें होने वाली बीमारियाँ, वजन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस एज में वजन बढ़ता है और बढ़ने के कारण क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला है मोटापे की व्याख्या करने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण क्रिया है, कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो इसमें आपके देखिए खाद्य पर्यावरण है, शारीरिक क्रियाएँ हैं और व्यक्तिगत मनोविज्ञान। तो कुल मिला के आपकी सारी चारों ही चीज़ें इसमें आपकी आएंगी, तीनों चीज़ें हैं। इन तीनों से हमारा जो शरीर का मोटापा है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में बताया गया कि मोटापे के कारण क्या हैं? तो देखिए मोटापा क्या होता है, वंशानुक्रम भी होता है, कम शारीरिक परिश्रम अगर हम नहीं करते हैं तब भी बढ़ जाता है, भोजन संबंधी आदतें हमारी होती, ये दोनों ही तीनों ही चीज़ें कारगर हैं। अगर कोई किसी का वंशानुक्रम व्यक्ति है मोटापे पर चलता है तो उसके वंशानुक्रम के अनुसार भी जो है ये मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, अब आइए चलिए बढ़ते हैं आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर आया मोटापे कारण क्या, मैं आपको बता चुका हूँ सेम ही है ये। अब आपका दिया हुआ है कि मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए मोटे आहार के व्यक्ति में, जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है फल सब्जियाँ सलाद और तरल पदार्थ। ठीक है, मोटापा जो किसकी वृद्धि कारण होता है? तो मोटापा ये होता है एडिपोसिटी। ठीक है, एडिपोसिटी नाम का तत्व होता है, इसके बढ़ने से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थूल शरीर वाले व्यक्तियों को निम्न में से कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? तो इसमें जोड़ों का दर्द भी होता है, मानसिक बीमारी हो जाती है, अस्थि रोग की समस्या पैदा हो जाती है, तो ये सारी चीज़ आती है, इसलिए उपयुक्त आंसर आएगा आप डी। मोटापे के कारण क्या नहीं हो सकते हैं? अब देखिए मोटापे के कारण नहीं हो सकते हैं जैसे आयु का प्रभाव, वंशानुगत कारक या फिर अंतःस्रावी कारक, तो ये तीनों ही मोटापे के कारण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। 76 में पूछ रहा है कि 25 वर्ष के बाद मनुष्य का जो भार होता है शरीर का, वार्षिक दर के अकॉर्डिंग कितना बढ़ता है? यानी 25 वर्ष के बाद में जो व्यक्ति के ऊपर मोटापा आता है या वजन बढ़ता है तो एक वर्ष में कितना बढ़ जाता होगा? तो एक वर्ष में 500 ग्राम वजन जो है प्रतिवर्ष के आधार पर, यानी 25 वर्ष के बाद मनुष्य का भार वार्षिक दर यानी एक वर्ष में लगभग 25 ग्राम वजन बढ़ने का औसतन अनुमान लगाया गया है, तो याद आएगा। मोटापे के अंतःस्रावी ग्रंथि कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि हैं जिनके कारण जो मोटापा बढ़ता है? पहला आपका है जब पीयूष और थायराइड ग्रंथि कम काम करना शुरू कर देती हैं, यानी कि जब पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि जो है ये आपकी कार्य करना कम कर देती हैं, इसके कारण भी हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। ठीक है, जो कि वैज्ञानिक जो आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे समझाया मैंने।
अगर आप देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर है मोटापे के किस प्रकार, जिसको मोटापा होता है तो उसको किस प्रकार का मधुमेह होता है, तो मधुमेह होता है वो टाइप टू, दो टाइप का मधुमेह होता है, टाइप वन टाइप टू, तो जो मोटापे के कारण मधुमेह होता है वो होता है टाइप टू, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 81 है, 81 में पूछ रहा है कि शरीर में इंसुलिन का कम स्राव, यानी इंसुलिन कम बढ़ने का क्या कारण होता है या उससे क्या चीज़ उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वो उत्पन्न होती है आपकी, इंसुलिन जब कम बनता है हमारे शरीर में तो उससे उत्पन्न होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, जिसमें दिया हुआ शर्करा की अधिक मात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी का कारण है कि, मतलब बीमारी जो है वो किस कारण से ये बीमारी होती है, तो इसमें ऑप्शन आपका जाकर बन, धमनियों का सख्त होना है, जो हमारी धमनियाँ होती हैं जब वो टाइट हो जाती हैं तो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 83, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक बीमारी है, तो ये रोग किससे संबंधित होता है, तो ये रोग आपका संबंधित होता है हड्डियों से, सॉरी जोड़ों से, जोड़ ज्वाइंट्स, ठीक है, ये ऑप्शन सही आएगा। फिर आपका दिया हुआ है कि कौन सी स्लिप, अब यहाँ पर है कि कौन सी स्लिप एपिनिया के प्रकार का है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 85 में देखेंगे कि महिलाओं में कौन सा कैंसर मोटापे के संबंध नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है जो मोटापा संबंध कैंसर नहीं होता है तो वो आपका है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जाएगा डी, जो रुधिर कैंसर होता है ये मोटापे की वजह से नहीं होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के घटक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें आंसर आपका जाएगा डी राइट, कि पेट का मोटापा, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या फिर उच्च रक्तचाप का बढ़ जाना, तो ये क्या, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के घटक होते हैं, आंसर आपका जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। चलिए, प्रत्येक भोजन में लगभग कितने औंस प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका है सी ऑप्शन हट जाएगा। संतुलित आहार का क्या अर्थ होता है, संतुलित आहार क्या होता है, आपको सब सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ का सेवन और प्रत्येक पोषक तत्व का सेवन, ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 90, वजन नियंत्रण करने के लिए लगभग कितने गिलास पानी पीना चाहिए, यदि आप वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना पड़ेगा, इससे क्या होता है हमारे शरीर की एकदम सफाई होती रहती है, जिससे हमें दिक्कत नहीं आती और वजन हमारा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंडोफ्रीम किससे संबंधित होता है, तो एंडोफ्रीम संबंधित होता है नियमित व्यायाम। देखिए, नियमित व्यायाम अगर हम करते हैं तो व्यायाम से हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है, व्यायाम से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जब परेशानी आती है तो हमें तो मेडिसिन लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं, 94 में कि पानी किस प्रकार से वजन को नियंत्रण करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर समझ लीजिए। पानी क्या करता है, हमारे पेट को कम करता है, शरीर से जो जहरीले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालता है और हमें भूख को भी कम कर देता है। अगर हम पानी पियेंगे पर्याप्त मात्रा में तो हमें भूख भी कम लगेगी और हमारा जो वजन है वो हमारे अंडर में रहेगा, वेट कंट्रोल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि संतुलित आहार की बनावट किसके अनुसार नहीं होनी चाहिए, तो ये योग्यता से इसमें कोई महत्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि एक ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इसमें 9 कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि डाइटिंग में किन्हें शामिल करना चाहिए, डाइटिंग में जैसे कि पानी की उचित मात्रा हो, मौसमी फल हो, सब्जियों का सेवन होना चाहिए और साथ ही नियमित प्रोटीन, तो उपरोक्त में तीनों चाहिए, तो उपरोक्त में डी आपका सही जाएगा। अगला बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन व्यायाम और डाइटिंग में संयोग किस प्रकार बनता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देख लेने हैं, इन्हें तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, व्यायाम डाइटिंग, अब यहाँ दिया हुआ है कि इनका मिश्रण ऋणात्मक बनाता है, तो मैं सीधे इसकी आंसर की बात कर लेता हूँ, तो आंसर में आपका आया गया पहला और तीसरा। पहला क्या है, इनका मिश्रण ऋणात्मक कैलोरी संतुलन को बनाता है, और नेक्स्ट तीसरा इसमें क्या दिया हुआ है, ये स्थायी रूप से मोटापे को कम करता है। कौन सा, व्यायाम डाइटिंग, अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपका जो वजन है, ओवर वेट है, वो कंट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किन के कारण हमारा वजन, मतलब कौन कौन से कारक जो हमारा वजन बढ़ाते हैं। देखिए, जैविक कारक, भौगोलिक कारक और भावात्मक कारक, ये सारे ही रहते हैं, ठीक है। और जो लेजी होता है उसका तो वजन बढ़ता ही बढ़ता है, उसको कोई रोक सकता। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण महिला किस दिशा में अधिक मोटी होती हैं,
तो इनका दिया हुआ किशोरावस्था दिया हुआ, गर्भावस्था दिया हुआ है, मासिक धर्म की समाप्ति होती है, तो ये तीनों ही कारक होते हैं जिसमें औरतों को मोटापा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि उच्च रक्तचाप के कारण क्या होते हैं। चलिए आइए इसे देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका रुद्र अतिसार, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, इसमें लिखा स्लीप एनीमिया संबंधित विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें स्लीप एनीमिया में जो दिक्कत आती है उसे देख लेते हैं फटाफट एकदम। तो इसमें दिया हुआ है आपका ऑप्शन जो राइट जाएगा वो दिया हुआ है डी, पहला और तीसरा। इस रोग में लोगों को कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है और स्लीप एनीमिया को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो डी आंसर आपका आ जाएगा, पहला और तीसरा सही है, डी में आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन से कैंसर मोटापे के कारण नहीं होते हैं, यानी कौन से कैंसर ऐसे हैं जो मोटापे से उनका संबंध नहीं होता है या मोटापे की वजह से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं फटाफट। तो इनमें आपका दिया है ऑप्शन डी, डी दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सारी जो जैसे स्तन कैंसर है, गर्भाशय कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, पित्ताशय कैंसर है, कोलोन कैंसर है, इन पांचों में से कोई कैंसर ऐसा नहीं है जिसका मोटापे से कोई संबंध हो। ठीक है, देन यू फ्री, टेंशन फ्री। अगला क्वेश्चन मोटावेलिक सिंड्रोम क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन, इसका रिपीट हो चुका है, चलो इसको एक बार फिर देख लेते हैं, ऐसे कूट के आधार पूछ लेगा वो। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑप्शन आपका राइट जाएगा पहला, पहला क्या है आपका ए, तो ए में पहला और तीसरा दिया हुआ है, पेट की चर्बी और तीसरा रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये क्या है? मोटाबेलिक सिंड्रोम के कारण होते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? पेट की चर्बी बढ़ती है और रुधिर जो हमारा ब्लड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन से जो देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपकी ये सभी हैं, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। 8 में क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटे को यानी कि जो मोटापा होता है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा मतलब रोल अदा कर सकता है, तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन जाएगा राइट। पत्तियाँ सब्जियों वाली पत्तियाँ होती हैं, सब्जी वाली पत्ती होती हैं, नींबू शिकंजी है और सपरेटा यानी कि दूध, ये दोनों ही काम में रहते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। 111 दिया हुआ है कि मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बीएमआई विधि कहते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे पढ़ लेना, ये जरूर पूछेगा क्योंकि हमारा फिजिकली क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अधिकता होने के कारण में क्या होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाए वसा भी बढ़ जाए तो हो जाएगा मोटापा, हम पे चर्बी चढ़ना शुरू हो जाएगी, मास चढ़ना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 118 में पूछ रहा है कि मोटापे के उपचार के लिए वैरेटिक सर्जरी किया जाता है परंतु उसके बाद मोटे व्यक्तियों की लगभग जो है टाइप 2 मधुमेह की घटना कितनी कम हो जाती है, तो मधुमेह जो टाइप 2 होता है वो 80 से 90% कम हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आने की संभावना रहेगी, मॉडल पेपर आपको जरूर मिल जाएगा इसका, शाम से पहले मिले पहले अपलोड कर देंगे हम। और मोटापे से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या वर्जित है यानी कि वो क्या चीज़ नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसमें दिया हुआ है क्या देखिए, इसमें मक्खन, घी, केक, पेस्टिसाइड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन सब पर इनके लिए क्या है, बैन है। तो आप ये कोई चीज़ नहीं खा सकते हो, लेकिन भाई स्वाद है तो खाना पड़ता ही। अगला क्वेश्चन आपका है मोटे व्यक्ति के आहार में कैलोरी कितनी कम करनी चाहिए, तो कैलोरी जो कम करना चाहिए तो उसकी मात्रा है 1000, 1000 कैलोरी हमें अपने मतलब आहार में कम कर देनी चाहिए यदि हमारा शरीर मोटा है। तो जीवन शैली देख लेते हैं, जीवन शैली स्वस्थ शैली जीवन क्या है, ये उपरोक्त में सारे ही हैं, स्वस्थ रहता है, सही रहता है, अधिक ऊर्जावान रहते हैं, आत्मविश्वास रहता है, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए किन के लिए मतलब किसके लिए आवश्यक है, तो क्या है, जीवन गुणवत्ता के लिए, पुनः शक्ति प्राप्ति के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए, अर्थात सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है, 124। हमारा स्वास्थ्य निम्न में से किन क्रियाओं को प्रभावित होता है, तो खाने पीने से भी, व्यायाम से भी और धूम्रपान से भी। धूम्रपान इट इज़ अ वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक होता है, हमारी धमनियों को चिपका देता है अर्थात सांस की मर्ज बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपका है 128 पूछ रहा है, 28 पूछ रहा है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य में उम्र का बढ़ना किस प्रक्रिया को दर्शाता है, इसमें सारे परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं और सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, कब, जब मनुष्य की एज बढ़ती है या उम्र बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है
इसमें पूछ रहा है कि किसके अनुसार उम्र का बढ़ना जैविक वास्तविकता की एक प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर प्रारंभ होती है और मृत्यु तक समाप्त होती है। तो किसकी परिभाषा है ये? तो ये WHO एक राइटर हैं, एक फिजियोलॉजी शास्त्री हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उनकी परिभाषा है ये। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 133 की ओर। इसमें पूछा गया है कि उम्र के साथ साथ कम दिखाई देता है हमें, कम सुनाई देने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है हमारी जो है इंद्रियों की कमी की वजह से। इसमें इंद्रियां जो हमारा काम करना कम कर देती हैं, इसीलिए ऐसा कारण होता है। उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 134 नंबर क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि सामान्य रूप से कितने मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम का समय होता है 20 से 30 मिनट। अगर यदि आप 20 से 30 मिनट व्यायाम निरंतर करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, डेली किसी भी समय करते हैं, वैसे सुबह का व्यायाम सबसे बेस्ट माना जाता है, तब समझ लीजिए आपका जो वजन है, शरीर है, एकदम बॉडी सॉलिड एवं स्वस्थ रहोगे, चुस्त रहोगे। अगला है व्यायाम को सामान्य रूप से प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये किस तरीके, इसमें फेफड़ों का भी प्रदर्शन होता है और आपका हृदय का भी होता है, मांसपेशियों का भी होता है, अर्थात ये सभी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है। 137 पूछ रहा है एक औसत व्यक्ति को एक दिन में कितने मिनट पैदल चलना चाहिए। तो 40 मिनट कम से कम उसे पैदल चलना चाहिए और 8 से 10 ग्लास पानी पर डे उसे यूज़ करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए। इकाई 3 में देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको मॉडल पर मिल जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और अपने दोस्तों में वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करना है। किसी भी सेमेस्टर का अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, उसकी आंसर की चाहिए, तो प्लीज़ हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर आपको ये व्हाट्सअप कर देना है, क्लिप आपका चाहे तो फोटो भेज सकते हैं या फिर PDF भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आपके लिए ये आंसर की उपलब्ध हो जाएगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, तो ज्ञान का ये अर्थ क्या होता है? देखिए ज्ञान का योग क्या होता है, ज्ञान योग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका ज्ञान और विवेक से होता है। अगला क्वेश्चन, योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ किससे होता है? विवेक, आत्मा और विवेक का योग होता है। योगाभ्यास ये आप जानते हैं अगर आप करते होंगे तो। योग का अर्थ क्या होता है? आपका जुड़ना होता है। गीता का योग में क्या परिभाषा है? जो गीता है या जो हम पढ़ते हैं, जो उसे कहते हैं भागवत गीता, तो उसमें योग की परिभाषा क्या है? उसमें है योग कर्मणेषु कौशलम। अगर आप योग करोगे तो आप एकदम स्वस्थ और बेहतरीन रहोगे। योग का अर्थ क्या होता है? योग अर्थ होता है शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली क्रियाएं, ठीक है। नियति क्या है? नियति होती है शुद्ध क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, षटकर्म अथवा शुद्ध क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी होती है 6 प्रकार की। योग की एनिमा क्या है? तो ये आपका है एक बस्ती है। भगवान शिव किसके जनक थे? तो भगवान शिव किसके जनक थे? वो योग के ही थे, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने फिर दिया हुआ है कि पद्मासन किस योग की मुद्रा होती है? तो ये आपकी मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा में, पद्मासन करते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम की क्रिया में क्या होता है? हम 3 बार सांस को छोड़ते हैं, 3 बार सांस लेते हैं। अगला है, प्राणायाम में पूरक का क्या अर्थ होता है? पूरक अर्थ होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है। अनुपूरक का मतलब सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। अष्टांग योग में धारणा कौन से चरण हैं? तो ये 6वें चरण में आती है। व्यस्ति शब्द का किसे संबंधित है? तो वो है संबंधित शुद्धि क्रिया से। कोबरा, सांप, सर्प मुद्रा ये क्या है? ये आपके होते हैं भुजंग शासन, कहते नहीं क्या कहता, भुजंग ही बना घूम रहा है। तो ये सब यही से संबंध रहते हैं। अगला है आपका पंचशील, पतंजलि योगपीठ कहाँ स्थित है? पतंजलि योगपीठ कहाँ है? आपकी हरिद्वार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित सूत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अष्टांग सूत्र, जो पतंजलि द्वारा दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। महर्षि पतंजलि ने कितने योग बताए हैं, या महर्षि पतंजलि के अनुसार योग को कितने भागों में बांटा गया है? तो उन्होंने 8 योग बताए हैं, 8 योग में बांटा गया है। कौन महायोगी है? तो आप इसमें आपके नाम दिए हुए हैं, महर्षि वेदव्यास हैं, महर्षि कपिल हैं, मुनि हैं, पतंजलि के लिए हम कहते हैं महायोगी, ठीक है। योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने ही बताया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नियम अष्टांग योग का भाग है, कौन सा भाग है आपका? 7वां 5वां जो भी वो आप टिक कर लेना है। इसको डालिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट।
34 चित लेट कर किया जाने वाला आसन क्या था। इनमें आपको आसन बताना है तो अगर ये सभी होते हैं सर्वासन होते हैं। अब चित लेट हो गए तो कौन सा आसन का लायक आपका, तो यहाँ पर आपका है 36वां क्वेश्चन नंबर है, कौन सा योग मार्ग नहीं है। इसमें क्या कर्म योग है, भक्ति योग है, तृप्ति योग है, ज्ञान योग है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। जैसे दिया हुआ है योगस्य, क्वेश्चन नंबर 42 है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधे, ठीक है, ये कथन किसका है। या योग की परिभाषा, मन के आवेगों को नियंत्रण करना ही योग है। अगला क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह लेना, किसने कहा कि अपने मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रण कर लेना ही योग है। तो ये ऑप्शन दिए परिभाषा दिए महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट, कि योग के जनक कौन है, योग सूत्र किसके द्वारा दिए गए हैं। तो योग के जनक हैं कौन, महर्षि पतंजलि, और योग के सूत्र भी महर्षि पतंजलि ने ही दिए हैं, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं आगे के लिए, मधुमेह या सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ होती हैं। तो सूर्य नमस्कार की जो स्थितियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी कम से कम, सूर्य स्थितियाँ होती हैं आपकी, सूर्य नमस्कार की स्थितियाँ या चरण, ये होते हैं 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग के द्वारा विकास होता है, किसका विकास होता है, इन सबका होता है, मानसिक है, बौद्धिक है, सांवेगिक होता है। चलिए आप देखते हैं, आउटडोर खिलाड़ियों के लिए कौन सबसे अच्छा योग कौन सा है, वो होता है प्राणायाम। आप आउटडोर कर सकते हो घर से बाहर। प्राणायाम का लाभ क्या होता है, तो उच्चतम पावन होती है, उच्च स्वस्थ रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, इन्हें हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय योग कब मनाया जाता है ये भी देख लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जाता है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों की आने की संभावना अधिक हो जाती है। मन को जागृत करना, एक मिनट, हठ योग का शास्त्रीय ग्रंथ कहलाता है। हठ योग का शास्त्रीय योग क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका हठ योग ग्रंथावली, ठीक है। अब बनते आगे, आसनों से लाभ होता है, आसनों से लाभ किस में होता है, सभी में होता है, चाहे आपका मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक, सभी में आपका लाभ मिलेगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, पतंजलि के योग दर्शन के प्रथम पाद क्या है। पतंजलि के योग में ये क्वेश्चन देख लो, पतंजलि के योग दर्शन में कुल कितने सूत्रों की, कुल सूत्रों की संख्या कितनी है, तो उसमें कुल सूत्र संख्या है 195, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के लिए, और अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं फटाफट। योग सूत्र ये बताता हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है धारण योग उपयोगी, या फिर धारण एक अच्छा व्यायाम है, कैसा है, ये एकाग्रता के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है कि योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 77, तो इसमें जो चक्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो होती है 7, 7 चक्र होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा शक्तिमान नाटक मुकेश खन्ना का, तो उसमें ये चीज़ दिखाई जाती है, तो 7 चक्र उसके बैकबोन में दिखाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि कपालभाति के कौन से रोग दूर होते हैं, मस्तिष्क से हमें आराम मिलता है। कपालभाति क्या है, प्राणायाम है, ध्यान है, आसन है, या फिर योग है। तो ये जो है आसन है, सॉरी ध्यान है। योग सूत्र ग्रंथ किसने लिखा है, तो योग सूत्र जो ग्रंथ लिखा है वो भी आपके महर्षि पतंजलि ने लिखा है। योग का स्रोत क्या है, वो है उपनिषद, ठीक है। इसमें फिर आधुनिक योग सबसे सुगम और सुलभ समझा जाता है, कब समझा जाता है, उसे राजयोग कहते हैं। पतंजलि योग के अनुसार उपलब्ध प्राचीन साहित्य सत्य की निम्नलिखित में से किसका है, तो ये भी आपका है कुलश्रेष्ठ। पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसने की थी, तो पतंजलि योगपीठ की स्थापना की है किसने, स्वामी रामदेव ने, ठीक है, या बाबा रामदेव ने। हठ योग वह योग है जिसके द्वारा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। तो इसी के साथ में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मिले नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।